हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्या होता है और इन दोनों में बेटर कौन सा है और आपके लिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। आप में से काफी सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं, भैया मैं इन्वेस्टिंग कर करके थक गया, यहाँ पे भी मुझे लॉस होता है, मैं ट्रेडिंग कर करके थक गया, मुझे यहाँ पे भी लॉस होता है। या कई सारे बिगिनर्स जो शेयर मार्केट के अंदर आना चाहते हैं वो लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे इन्वेस्टिंग करना चाहिए या फिर ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह है ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस से है। आप लोगों को ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग ही करें या फिर इन्वेस्टिंग ही करें या फिर आप शेयर मार्केट के अंदर मेरे कहने पे पैसा लगाएं। यहाँ पे आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, खुद का एनालिसिस करना है, खुद का रिसर्च करना है और आपको अपने लिए खुद बेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सेम डे में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप मार्केट के अंदर क्या करने वाले हैं। वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है कि आप इस लिमिटेड टाइम के अंदर आप मार्केट को टाइम करें कि मार्केट कहाँ जाएगा। आपको यहाँ पे लॉन्ग टाइम का यहाँ पे समय रहता है, आप जितना चाहें यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में देखना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को बिना समझे ट्रेडिंग करते हैं, बिना समझे इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लॉस तो होगा ही होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको टाइम लिमिट रहता है। इसके अलावा यहाँ पे हाई रिस्क भी रहता है। क्यों हाई रिस्क रहता है? क्योंकि आपको यहाँ पे जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं, बाय करना है, सेल करना है, कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपका माइंड शॉर्ट टाइम के लिए काम करने लग जाता है, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रिस्क भी रहता है। वहीं अगर हम लोग इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम, यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है, यहाँ पे आप लो रिस्क पे काम कर सकते हैं, मतलब आपका पूरा कैपिटल जीरो वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके यहाँ पे बहुत जल्दी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के विजन से करते हैं तो अगर एक दो दिन में आपका लॉस भी दिखाई दे रहा है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अगर आपका एनालिसिस सही रहेगा तो आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव में जाएंगे, आपको वहाँ पे प्रॉफिट ही होने वाला है। तो ये चीज बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको मार्केट को एट द टाइम टाइम करना पड़ता है कि भैया मार्केट अभी मार्केट कहाँ जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अगले 5 मिनट के अंदर, अगले 10 मिनट के अंदर, अगले 1 घंटे के अंदर या फिर मार्केट आज के दिन में किस तरफ मूव करेगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप मार्केट को ऐसे टाइम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट को आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि अगले कुछ टाइम में मार्केट किस तरफ मूव करेगा। लेकिन वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग की बात करें, लॉन्ग टर्म की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्विक डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर आपका अगले 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है, फिर भी आप वहाँ पे मार्केट के अंदर बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल आपको पॉजिटिव में ले जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। चौथा मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, जो कि अगर आपको नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न सीखना पड़ेगा, और इन सभी पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट के अंदर कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, कैसे इसका कैंडल फॉर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो आप यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसा है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसा है, उसका सारे फंडामेंटल्स, उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस, सब कुछ स्टेटमेंट आपको उसका देखना पड़ता है।
तो ये हो जाता है मेजर डिफरेंस कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के विजन से तो आपको उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला डिफरेंस ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है और इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है, मतलब हाई टैक्स यहाँ पे होता है, राइट। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर आप प्रॉफिट करते हैं तो वहां पे आपको लो टैक्स रेट देना पड़ता है, राइट। मान लो अगर आपने एक साल के अंदर जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर कमाया, राइट, तो उस कमाए हुए पैसे पे आपको 15% का फ्लैट टैक्स देना पड़ता है, राइट। अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर पैसे कमाते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका क्या होता है, 1,00,000 रुपए तक तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है, पहली बात, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। और उसके बाद अगर उसके ऊपर अर्निंग होता है, जो भी आपका कमाई होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसमें आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा आपको यहाँ पे टैक्सेस भी देने पड़ जाते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस है, छठवां डिफरेंस, ये आपको ये बताता है कि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल टाइम अपना देना पड़ेगा, यानी कि पूरा फोकस आपको ट्रेडिंग के अंदर देना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, एवरी टाइम आपको मार्केट को देखते रहना पड़ेगा। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको फुल टाइम नहीं करने की जरूरत है, आप पार्ट टाइम में एक बार अगर आपने टाइम निकाल करके एनालिसिस कर लिया, उस स्टॉक के बारे में देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, इसके बाद आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको भूल सकते हैं कि भैया मार्केट अब जैसा भी है वो हम लोगों को रिटर्न आगे देता रहेगा। लेकिन वहाँ पे आपको एक्टिवली हर 5 मिनट, हर 1 घंटे, हर दिन आपको वहाँ पे खोल खोल करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेजर डिफरेंस हो जाता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। इसके अलावा जो अगला डिफरेंस है, ओनली यहाँ पे आपको अगर ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग टाइप की ही इनकम होती है, राइट। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप वहाँ पे जितने बार ट्रेड करेंगे, अगर आपका ट्रेड सही रहा तभी आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, और ट्रेडिंग अर्निंग का जो टाइप है वो सिर्फ एक ही रहेगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेडिंग से ही इनकम होगा, राइट। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 तरह के इनकम हो सकते हैं। पहला चीज़ ये कि अगर आपका स्टॉक ग्रोथ कर रहा है तो उस स्टॉक के ग्रोथ के ऊपर तो आपको पैसे मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिविडेंड के रूप में साइड इनकम भी मिलता रहता है, जिससे आपका साइड इनकम जनरेट हो जाता है और वहाँ पे आपके खर्चे धीरे धीरे निकलते रहते हैं। तो आप यहाँ से डिविडेंड के थ्रू भी इनकम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पर्टिकुलर स्टॉक्स आपको डिविडेंड देता भी है या फिर नहीं, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे 2 तरह के इनकम हो सकते हैं, एक डिविडेंड के थ्रू भी और स्टॉक के ग्रोथ के साथ भी, तो 2 तरह के इनकम हो गए। ट्रेडिंग के अंदर आपको सिर्फ एक ही टाइप का इनकम होता है, जो कि ट्रेडिंग के अंदर अगर आप प्रॉफिट करते हो तो वहाँ पे आपको पैसे मिलेंगे। अगला और 8वां पॉइंट ये है कि आपको ट्रेडिंग के अंदर मार्जिन मिल जाता है, मतलब अगर आपके पास 20,000 रुपये है तो आप 1,00,000 रुपये तक का शेयर खरीद सकते हैं, मतलब आपको मैक्सिमम यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर 5x का मार्जिन मिल जाता है, यानी कि 5 गुना तक आप यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं। जबकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको पूरा का पूरा कैपिटल, पूरा पैसा आपको देना पड़ जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपको ये फायदा मिल जाता है कि आप कम पैसे से ज़्यादा पैसे का ट्रेड कर सकते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके पास जितने पैसे रहेंगे आप उतने ही पैसे को यूज़ करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये जो थोड़ा सा मेजर डिफरेंस हो जाता है कि ट्रेडिंग के अंदर आपको मार्जिन मिल जाता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं मिलता है। और 9वां पॉइंट यह है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर आप गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप FNO में ट्रेड करते हैं तो आप पुट ऑप्शंस खरीद करके पैसे कमा सकते हैं, या फिर आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो इंट्राडे या फिर आप जो ट्रेडिंग करते हैं तो इसके अंदर आप शॉर्ट सेलिंग यानी कि गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के ग्रोथ के साथ ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, यानी कि आप जब खरीदेंगे उसके बाद मार्केट का प्राइस बढ़ेगा तभी आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा, गिरते हुए मार्केट में आपको सिर्फ लॉस होगा। जबकि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो गिरते हुए मार्केट से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, एंड मार्केट जब उठ रहा है तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस होता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। इसके अलावा अगला जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब आप बिल्कुल कम अमाउंट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप 1,000 रुपीज़ से अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो दिक्कत ये हो जाएगा कि आप 1,000 रुपये पे जितने भी आप 5% 10% जो भी आप कमाओगे उतना तो आपका ब्रोकरेज चार्ज ही कट जाएगा। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, मतलब अगर आपके पास 20,000, 50,000 या 1,00,000 रुपये है, अगर आप इससे ट्रेडिंग करते हैं तब कहीं जा करके आप ब्रोकरेज को बीट कर पाएंगे एंड अच्छा खासा प्रॉफिट आप
जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का जो प्राइस रहेगा, या म्यूचुअल फंड के अंदर आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे बहुत कम अमाउंट का रिक्वायरमेंट होता है, आप 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अगर आप स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आपके पास जितना भी कम अमाउंट है, 1000 रुपये है, 500 रुपये है, उतने से भी आप 1-2 शेयर्स, 5 शेयर, 10 शेयर्स खरीद करके आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। बैकअप प्लान के लिए आपको वहाँ पे कैपिटल और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो सकता है, लाइक अगर आपका 1-2 बार लॉस हो रहा है तो फिर आप कैसे वहाँ पे आप अपने आप को रिकवर कर पाएंगे, कैसे आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है ट्रेडिंग के अंदर। और इन्वेस्टमेंट के अंदर आप कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। अब आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही रहता है, हालांकि अपने चैनल पर हमने ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा बात किया हुआ है क्योंकि अभी तक मैं ट्रेडिंग ही करता रहा हूँ। लेकिन आगे चल करके मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है, टेंशन डेली का रहता है, और इन्वेस्टमेंट के अंदर टेंशन फ्री होकर के आप किसी और काम को भी कर सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको फुल टाइम ट्रेडिंग करना पड़ेगा, जबकि ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टाइप का लगता है, क्योंकि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने और भी बिजनेसेस की तरफ ध्यान दे सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर मैं ट्रेडिंग करूँ तो मुझे फुल टाइम यहाँ पे देना पड़ जाता है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे और भी काम के लिए समय निकल जाता है। तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे करके शिफ्ट होना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट की तरफ। बाकी आप किसके सपोर्ट में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेडिंग ज्यादा बेस्ट लगता है या फिर इन्वेस्टिंग ज्यादा बेस्ट लगता है, या फिर आप कौन सी टाइप की ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। और अगर आप अभी तक ये डिसीजन नहीं ले पाए हो कि आपको ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका सिचुएशन क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका साइकोलॉजी कैसा है। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग के अंदर ज्यादा बेस्ट हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा बेस्ट हैं। तो ये चीज आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों के लिए ही आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, आप शेयर मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो आप बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से बेस्ट ब्रोकर के साथ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।